बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेसिकली आज का जो हमारा टॉपिक है वो न्यूट्रिशन इन फंजाई की ही कंटिन्यूटी है। आज के टॉपिक में हमने फंजाई की मोड ऑफ न्यूट्रिशन रिलेटेड एक और टाइप डिस्कस करनी है, जिसको हमने मैंशन किया म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक फंजाई। अब म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक फंजाई क्या होता है, पहले इस टॉपिक को समझे, फिर हम जो है वो फर्दर डिटेल्स देखेंगे। देखिए, म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक फंजाई जो है वो बेसिकली दोस्ताना ताल्लुक होता है फंजाई का डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ, क्लियर है? और ऐसा ताल्लुक होता है जिसमें दोनों को फायदा होता है। आसान जुबान में अगर मैं बताऊँ तो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक फंजाई ये ऐसी फंजाई होती है जो दूसरे जानदारों के साथ शराकतदारी करती है, और ऐसी शराकतदारी करती है या ऐसी एसोसिएशन करती है जिसमें दोनों को फायदा होता है, क्लियर है? अब हमने ऐसी ही दो एसोसिएशन फंजाई की डिस्कस करनी है डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ जिसमें दोनों को फायदा हो रहा है। एक जो है वो फंजाई एल्जी के साथ बनाती है एसोसिएशन, जिसको हम लाइकन्स बोलते हैं, और दूसरी जो है वो फंजाई जो है वो रूट्स के साथ एसोसिएशन बनाती है, जिसको हम माइकोराइजा बोलते हैं। उसकी डिटेल हम फर्दर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का जो टॉपिक है हमारा बेसिकली वो लाइकन्स है। अब लाइकन्स क्या है? ये ऐसी दोस्ताना ताल्लुक है फंजाई का जो कि एल्जी के साथ होता है, जिसमें दोनों को फायदा होता है। तो लाइकन्स की जो है वो डिटेल हम आज पढ़ते हैं, मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहां से आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको बता दिया न्यूट्रिशन इन फंजाई की ही कंटिन्यूटी है, फोर्थ पॉइंट है म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक फंजाई। आसान लफ्जों में आपने एक हिंट माइंड में रखना है जो कि है दोस्ताना ताल्लुक फंजाई का। इसमें दो एसोसिएशन होती हैं, नंबर वन लाइकन्स एंड अदर वन इज माइकोराइजा। लाइकन आज का टॉपिक हमने डिस्कस करना है, फर्दर वहां से स्टार्ट करते हैं आज की डिटेल्स। और लाइकन्स की मैं सबसे पहले डिटेल्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूँ, ये कि मैंने कहा कि दोस्ताना ताल्लुक है फंजाई का एलजी के साथ, जिसमें दोनों को फायदा होता है। अब आप यहाँ एक पॉइंट समझें, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करते हैं। अब क्या ऐसी एसोसिएशन है जिसमें दोनों को फायदा होता है और क्या फायदा होता है? देखिए, फंजाई जो है वो एलजी के साथ एसोसिएशन बनाने से होता यह है कि एलजी से फूड ले रही होती है, और एलजी जो है वो फंजाई उसको प्रोटेक्ट करती है। और किससे प्रोटेक्ट करती है हम देखेंगे, डेसिकेशन से प्रोटेक्ट करेगी और लाइट से प्रोटेक्ट करेगी। तो बेसिकली एक को फूड मिली है, दूसरे को शेल्टर मिल रहा है, क्लियर है? तो इस तरह की जो म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होती है फंजाई की एलजी के साथ, उसको हम लाइकन्स बोलते हैं, क्लियर है? सो लाइकन्स आर म्यूचुअलिस्टिक सिम्बायोटिक एसोसिएशन। किसमें? सर्टेन फंजाई। सर्टेन फंजाई का वर्ड आ गया, लेकिन वो सर्टेन फंजाई का किन के साथ है? वो कहते हैं इधर या तो ग्रीन एलजी और फिर साइनोबैक्टीरिया, इन दोनों के साथ जो एसोसिएशन होती है उसको हम लाइकन्स बोलते हैं। अब यहाँ आपने सर्टेन फंजाई वाला वर्ड सामने, मतलब सारी फंजाई ही नहीं इनके साथ एसोसिएशन करती और लाइकन्स बनाती है, बल्कि सर्टेन फंजाई। अब नेक्स्ट जो है वो फर्दर हम इंशाल्लाह क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई डिस्कस करेंगे। इसमें डिफरेंट हम क्लासिफिकेशन फंजाई की डिस्कस करेंगे, जैसे जाइगो माइकोटा होता है, एस्को माइकोटा होता है, बसीडियो माइकोटा होता है, ड्यूटीरियो माइकोटा होता है। तो इसमें कहते हैं सर्टेन फंजाई, मतलब अब वो एस्को माइसीड्स होते हैं और कुछ इम्परफेक्ट फंजाई जिसको में फ्यू जो है वो बसीडियो माइसीड्स आ जाता है, या बसीडियो माइकोटा की जो है वो स्पीशीज आ जाती है। तो कहते हैं इस किस्म की सर्टेन फंजाई जो है, मतलब सारी नहीं, हमने मैंशन कर दिया कि इन किस्म के कुछ सर्टेन फंजाई जो है वो एलजी के साथ और साइनोबैक्टीरिया के साथ एसोसिएशन बनाती है, और ऐसी एसोसिएशन को हम लाइकन्स बोलते हैं, क्लियर है? अब वो लाइकन्स की स्पीशीज भी यहाँ मेंशन कर दी, वो भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट वो ये कहते हैं कि जब ये एसोसिएशन बनाती हैं, जब ये एसोसिएशन बनती है फंजाई और एलजी की, तो क्या विजिबल पार्ट्स पार्ट्स होते हैं? कहते हैं कि मोस्टली फंजाई और एलजी के अगर हम कंपोनेंट्स की बात करें ना, तो उनमें लाइकन्स में कुछ कलर, शेप और ओवरऑल जो है उनकी अपेरेंस, ग्रोथ फॉर्म वगैरह हमें अपेरेंस वाइज फिजिकली पार्ट्स में वो फील हो रही होती है, ये शो हो रही होती है, क्लियर है? हम एसोसिएशन देख ली, यही बात ही, ज़्यादा कोई कॉम्प्लेक्स चीज़ें नहीं है। मूव ऑन करते हैं फर्दर, वहाँ हम कुछ पॉइंट डिस्कस करते हैं। मैंने आपको बता दिया फंगस क्या करती है एसोसिएशन में, वो प्रोटेक्ट कर रही होती है एल्गल पार्ट्स को या एल्गल पार्टनर को। इससे प्रोटेक्ट करती है स्ट्रॉन्ग लाइट से और डेसिकेशन से। सो इस तरह की हार्मफुल सिचुएशन से वो एलजी को प्रोटेक्ट करती है, तो इनडायरेक्टली वो एलजी को शेल्टर प्रोवाइड करती है, और फिर एलजी से ले क्या रही होती है, फूड ले रही होती है। तो आप कह सकते हैं कर्टसी ऑफ एल्गल, एल्गल मतलब कि जो फंजाई है वो फिर कर्टसी कहते हैं मरहूने मिन्नत, मतलब कि फिर वो एलजी के ही मरहूने मिन्नत रहती है, फिर उसको वहां से वो फूड अपटेक करती है, एलजी से वो फूड ले रही होती है, और वो एलजी को प्रोटेक्ट कर रही होती है फ्रॉम द हार्श इन्वायरमेंट कंडीशन, क्लियर है? सो यही तो लाइकन्स था कि दोनों को फायदा हो रहा है, वो जो दोनों फायदे हमने डिस्कस कर लिया, यही बातें बार बार जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बता दी थी वही बार बार रिपीट होंगी। अब नेक्स्ट कहते हैं लाइकन्स का बहुत फायदा, इंपॉर्टेंस मैं आपको बता रही हूँ लाइकन्स रिलेटेड, वो ये कि लाइकन्स जो है ना, ये जो एसोसिएशन होती है फंजाई की एलजी के साथ, ये बड़ी अच्छी एसोसिएशन होती है, ये बड़ी आप कह सकते हैं हेल्दी एसोसिएशन होती है। ये किसी भी इन्वायरमेंट में ईजिली एसोसिएशन क्रिएट हो जाती है, और वो इन्वायरमेंट कहते हैं कोई भी हो सकता है, वो इन्वायरमेंट चाहे कितना ही हार्श क्यों ना हो, वो इन्वायरमेंट बेयर रॉक्स भी हो सकती हैं, बेयर रॉक्स कहते हैं नंगी रॉक्स या फिर बंजर जो रॉक्स होती है, चन्नाटे 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 कह रही हूँ, चट्टाने, ठीक है? तो जो बंजर चट्टाने होती है वहां तक भी आप कह सकते हैं हार्श इन्वायरमेंट में भी लाइकन्स जो है वो एसोसिएशन क्रिएट कर लेती हैं, क्लियर है? ये बात ही। नेक्स्ट वो ये कह रहे हैं कि अगर हम इनकी इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस की बात करें, तो जो लाइकन्स है ना वो बायो इंडिकेटर्स हैं। बायो इंडिकेटर्स का मतलब होता है कि माहौल को इंडिकेट करते हैं। अब बायो इंडिकेटर्स का मतलब माहौल में मौजूद डिफरेंट हार्मफुल सब्सटेंसेस को इंडिकेट करते हैं। क्या हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर हार्मफुल सिचुएशन को ये इंडिकेट करते हैं, वो होते हैं एयर पोल्यूशन। तो आप कह सकते हैं इनकी बहुत इंपॉर्टेंट इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंस ये है कि जो फंजाई है ना वो बायो इंडिकेटर के तौर पर एक्ट करती है, और जितने भी एयर पोल्यूटेंट्स हैं ना माहौल में मौजूद, ये उनको डिटेक्ट करती है और वहाँ से फिर ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। क्या
रिस्पॉन्स प्रोड्यूस करती है। हम देखते हैं, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ कि जब माहौल में सल्फर डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा होती है ना, या अमाउंट ज्यादा होती है, तो जो लाइकन्स है ना वो डेड होना शुरू हो जाते हैं, जो कि इंडिकेट करते हैं कि यहाँ के इन्वायरमेंट में एयर पोल्यूशन बहुत है। क्लियर है? तो ये वजह हमने कह दिया कि लाइकन जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स को डिटेक्ट करती है और बायो इंडिकेटर्स के तौर पर एक्ट करती है। मैंने आपके साथ एक डायग्राम शो कर दी ताकि आपको मजीद क्लियर हो जाए पॉइंट। वो ये कि ये लाइकन मैंने आपके साथ दिखाया, बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ अ फंगस एंड ग्रीन एल्गी। तो ये एक ऐसा आप कह सकते हैं मिला जुला एसोसिएशन रखने वाले दो डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैं, जिसमें ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना रहे। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप मतलब दोस्ताना रिलेशनशिप, इसमें दोनों को फायदा हो रहा है। और ये है क्या, फंगस और एल्गी के दौरान। तो मैंने आपके साथ डायग्राम भी शो कर ली। तो दिस इज इट, आज का हमारा टॉपिक यही था जिसमें हमने लाइकन की डिटेल डिस्कस की। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आई होगी। मजीद आपने इस पॉइंट रिलेटेड कुछ पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके देन, स्टे कनेक्टेड एंड अल्लाह हाफिज। इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट हम माइक्रोराइजर डिस्कस करें।